छोटे भाई छोटे भाई छोटे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं मिथिला ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अभी है दरभंगा के राज कैंपस में। एज पर गवर्नमेंट रूल 3 दिन तक सारा जो कहते हैं पिकनिक स्पॉट है, जितना भी घूमने फिरने वाला जगह है, टूरिज्म हब है, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होता है, गैदरिंग होता है, लाइक पार्क हो गया और भी बहुत सारा जगह, उस सारे जगह को बंद रखा गया। मतलब इसलिए बंद रखा गया बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं उसको, कि भाई कोविड का टाइम है, प्रोटोकॉल कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, जस्ट उसके लिए बंद रखा गया। अभी है दरभंगा के हेलीपैड पे, मतलब जो पीछे स्टेज है स्टेज वो रहा, और हम अभी हमें हेलीपैड पे, तो यहाँ से आपको दिखाते हैं भीड़ का क्या हाल है, क्या आलम है। अंदर में जाने से गार्ड सब, जितना भी गार्ड सब है, सब कोई मना करता है, पर यहाँ पे तो अलग ही हाल है। दिखाते हैं आपको। तो ये है कुछ राज कैंपस का आलम। उस साइड भी हल्का फुल्का भीड़ है, ये साइड भी हल्का फुल्का, और वहाँ पे अपने भाई साहब अपने भैया ही हैं, नाम भैया का भूल गए, पर जो भी है जैसा भी है भैया ही है वहाँ पे, जो इतना भीड़ से कोई इकट्ठा किए हुए अपने पास लाए हुए हैं अपने ही भाई साहब है। भैया इधर भी गरीब आदमी है, ये हमारे बड़े भाई हैं। अरे नहीं 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 नहीं, छोटे भाई छोटे भाई छोटे भाई छोटे भाई हैं। मुंह तो दिखाओ। अरे तुम्हें दिखाने लायक मुंह नहीं है, वो इसलिए ब्लर कर रहे हैं। छोटे भैया भाई, अपने बड़े भैया यहाँ पे हैं, स्टंट कर रहे हैं। प्याज भाई स्टंट तो कीजिए, बंद हो गए, हम आए तो बंद हो गए आप, गलत बात है ये। प्याज भाई चलो भाई, हाँ स्टार्ट कीजिए भाई, साइड हो जाओ, सबको साइड हो जाओ। प्याज भाई, प्याज भाई को जाकर के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, भैया इतना चाहिए, मतलब अभी स्टंट कर दे। भैया इंस्टा आईडी बताइएगा क्या? इंस्टा आईडी फैयाज राइडर। भाई इसको नहीं फॉलो करना है, बाकी फैयाज भाई को करना है फॉलो। भैया का आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के भैया को फॉलो कर लीजिए। ठीक है भैया, हम चलते हैं, अंदर का भी देखना है। ठीक है, बाय बाय बाय। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमको बिल्कुल नहीं लगा आपसे मिलकर के अच्छा, मजा आ गया भाई साहब से मिल करके। अब जा रहे हैं अंदर की ओर, पहले श्यामा माई मंदिर जाएंगे और उसके बाद कहीं और जाएंगे। फयाज भाई लगे रही, हम भी लगे रहते हैं, तो चलते हैं अंदर श्यामा माई मंदिर में, माता का दर्शन करते हैं, आप लोग को वहाँ का देखते हैं, वहाँ का क्या हाल समझ जा रहे हैं। सर्वे ऑफिस के पास और अंदर में इतना ज़्यादा भीड़ है कि वो गाड़ी यहीं पर पार्क करना पड़ा। कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा, गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया है और अंदर पूरा यहाँ पे पार्किंग लॉट बन गया। ये क्या कहते हैं, सर्वे ऑफिस, पूरा पार्किंग लॉट बना हुआ है। एज ऑलवेज बिहार पुलिस आपकी सेवा में। भीड़ देख लो आप लोग, ये राज कैंपस है, एंट्री पॉइंट श्यामा माई का। जैसे जैसे शाम हो रहा वैसे वैसे भीड़ बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, दिन में तो और भी ज़्यादा भीड़ था। ससरने तक का जगह नहीं है, पैदल ससरने तक का, अगर हम गाड़ी से आते तो लग जाता मेरा, और स्कॉर्पियो से आते तो 3-4 दिन लगता ही लगता। अनिकेत अगर अभी स्कॉर्पियो डाल लेते हैं यहाँ पे तो 3-4 दिन तो लगता है अभी हमको घूमने में, इतना ज़्यादा भीड़ है कि चला भी नहीं जा रहा है, जैसे तैसे ससर रहे हैं इधर से उधर करके। साल का नया दिन है तो सबको श्यामा माई का दर्शन करने ही आए हैं। अभी आ चुके हैं श्यामा माई मंदिर के अंदर और इतना ज़्यादा भीड़ है पूछिए मत, जितना भी श्रद्धालु सब है सबको नया साल के पहले दिन माता का दर्शन करना है और माता से ही नया साल का शुरुआत करना है, तो इसीलिए सबको माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं और इतना ज़्यादा भीड़ है। ये हाल है मंदिर का, जितना भीड़ बाहर उससे भी ज़्यादा अंदर, उधर तो और भीड़ हमको दिख रहा है यहीं से, और अंदर का आलम तो यहीं से पता चल रहा है। इट्स टाइम टू स्विच।
मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा ही माता के दर्शन कर लिए हैं और आप लोग को भी दर्शन करा ही दिए, तो अब चलते हैं यहाँ से उन्हीं के चले। और वहाँ पे कुछ छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है तो उसी का आवाज़ आ रहा है पीछे से। कोविड का प्रोटोकॉल का जितना भी है कोविड का प्रोटोकॉल, उसका जम के धज्जी उड़ाया जा रहा है। ये भी एक पिकनिक स्पॉट हुआ करता था, पर अभी जो भी प्रोटोकॉल है उसके चलते एक भी लोग यहाँ नहीं बैठा हुआ है। वहाँ है क्या दिख तो रहा है, वहाँ पे एक आदमी हमको देखते हैं जा करके। वरुण भैया का बोट बंद है। बबलू भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर। बबलू भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक पहुंच रहा है तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का ढेर सारा बधाई। ये देखिए मंदिर का हाल, ये यहाँ पे पूरा एकदम क्राउडेड है, पूरा क्राउड है। अब हमको अफसोस हो रहा है कि हम मास्क लेकर के क्यों नहीं आए, क्योंकि हमको उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा, बिकॉज गवर्नमेंट का जो रूल था ये सब चीज़ बंद रहेगा। हमको ऐसा लगा कि मंदिर बंद होगा, पर ये तो सोच के परे निकला। कोरोना नाम का कोई वायरस भी था ऐसा हमको नहीं लगता है इस भीड़ को देखने के बाद, कि भाई कोरोना नाम का कोई वायरस भी था तो नहीं था, अफवाह है, उड़ गया। अब बोलिए अभिषेक आप खुद मास्क पहने नहीं, दूसरे को ध्यान दे रहे हैं। देखिए मास्क पॉकेट में है, अब इसलिए नहीं पहने बिकॉज वीडियो बनाना है। वैसे तो गेट बंद है पर हर कोई छलप के जा रहा है, तो हम भी छलप के ही जाएंगे अंदर। जैसे सब कोई आया छलप के, वैसे हम भी आ गए हैं छलप के। इधर वही हाल है, गेट बंद है पर पता नहीं इतना सारा क्राउड आ कहाँ से रहा है। हमको शक है, हम अंदर जा करके देखेंगे आ कहाँ से रहा है इतना सारा भीड़। अगर गेट अगर ओपनली पूरा खुला कर दिया जाता तो सारा भीड़ अंदर ही आता, पर नहीं आ रहा है, मतलब कि गेट बंद है और कुछ जुगाड़ तरीके से सबको आ रहे हैं अंदर। खाली करवाया जा रहा है पूरा राज कैंपस को। लाठी चार्ज भी हो रहा है। तो दोस्तों ये था कुछ न्यू ईयर का वीडियो। अब हम लोग बात करते हैं कि पहले मतलब क्या क्या हुआ। जैसे कि 1 जनवरी था तो हम दिन भर तो अपना लगभग काम ही किए, जो काम था मेरा, जो काम है प्राइमरी कि यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करना, यूट्यूब पर अपलोड करना। देन लगभग 3:30 बजे के आसपास, संध्या 3:30 बजे के आसपास हम निकले थे देखने के लिए, घूमने के लिए कि भाई क्या सब हो रहा है, चलो भाई पता करते हैं। गए राज कैंपस, गवर्नमेंट का रूल भी था कोविड रूल्स कि 3 दिन राज कैंपस और जितना भी टूरिज्म जहाँ पे इकट्ठा होता है, जहाँ पे भी मतलब भीड़ होता है, गैदरिंग होता है, उस सब जगह को बंद रखा जाएगा। बिकॉज कोविड प्रोटोकॉल है कि न्यू वायरस जो आ रहा है कोरोना का, चाहे कोरोना का जो थर्ड वेव है उसको फैलने से रोका जाए, उसके लिए। तो हम लोग गए मतलब वीडियो बनाने के लिए, भाई चलो भाई देखते हैं क्या कैसे है और क्या कैसे नहीं है। तो पहले तो हम लोग गए हेलीपैड पे, जहाँ पे अपने फयाज़ भाई स्टंट मार रहे थे, जो कि बहुत अच्छा स्टंट करते हैं वो, और देख करके अच्छा लगता है जब कोई अपने बिहार के दरभंगा से जब कोई उठता है, उनका फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा है, तो देख करके थोड़ा सा अच्छा लगता है जब कोई अपने बिहार के दरभंगा से थोड़ा सा आगे बढ़ता है या फिर मिथिलांचल से आगे बढ़ता है। और तो उनसे थोड़ा बातचीत हुआ, देन अंदर गए कि अभिषेक और अंदर जा करके देखो कि अंदर में देखो लाठी चार्ज या फिर ऐसे ऐसे हो रहा है। हम मेरा दिमाग घूम गया कि भाई लाठी चार्ज कैसे हो रहा है, तो सोचे पहले माता के दर्शन कर लेते हैं। तो श्याम मंदिर गए, इतना क्राउड था कि हम अपने गाड़ी, हम अपना गाड़ी जो है स्कूटी ग्राजिया, उसको रजिस्ट्री नहीं सॉरी सर्वे ऑफिस के पास लगा दिए और अंदर गए। तो अंदर देखते हैं ससरनी तक का जगह नहीं है पैदल, जैसे तैसे उस क्राउड में मंदिर तक पहुँचे, मंदिर में गए, माता रानी का दर्शन किए बाहर से, बिकॉज अंदर जाना अलग महाभारत था, और ऊपर से मास्क था नहीं भी था कह सकते हैं काइंड से, क्योंकि था तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ वीडियो बना रहे थे। और हम हमेशा कहेंगे आप मेरे तरफ पागल मत बनिए कि मास्क नहीं लगाइए और सीधे पहुंच जाइए, हम थोड़ा सा करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपना गलती, उसके लिए हम क्या ही बोले, तो हम अपना गलती मानते हैं। तो अंदर नहीं गए हम, बाहर से अपना जो हुआ हल्का फुल्का शॉर्ट्स लेकर के, और देन राज कैंपस की तरफ, चलो भाई देखते हैं कहाँ लाठी चार्ज कर रहा है। तो वो जो ग्रिल है वहीं से छरप करके अंदर गए, जैसे नॉर्मली सब लोग जा रहा है। तो एक जयशंकर नाम के एक आदमी थे, जयशंकर नाम का विद्यार्थी, स्टूडेंट कह सकते हैं, उतना भी कुछ नहीं था, कितना होगा 24, 25, 26, 27, इससे ज़्यादा क्या ही एज होगा उनका, जयशंकर नाम है उनका। तो वो क्या कर रहे थे, वो थे एक मीडिया वाले थे, प्रेस लिखा हुआ था उनके अपाची में, बोले भाई आपका आईडी कार्ड कहाँ है। प्रेस वाले, अगर आप प्रेस से हैं तो आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा ना, आईडी कार्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ तो होगा। तो समझ गए कि भाई साहब ये कोई और मतलब हैं, इनको मतलब वो समझ गए कि ये भाई साहब के साथ अगर कुछ हेरा फेरी किए तो अब होने वाला है कुछ ना कुछ। तो क्या कहते हैं उनसे मतलब बोले, हम अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरे ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ, जो बात है आप वीडियो में भी देख सकते हैं, बट जितने भी लोग थे, जो भी बच्चा था, आदमी था, प्लस लेडीज़, लड़की,
सब पे वो लाठी मार रहे थे। दिमाग घूम गया भाई कि भाई जब पुलिस वाला मार ही नहीं रहा, बिहार पुलिस भी है वहां पे, वो तक लाठी चार्ज नहीं कर रहा है, तो भाई आपको राइट्स किसने दिया। हम पहले गए थाना के जो इंचार्ज थे उनसे बात किए, सर क्या ये आप लोग का आदमी? सर बोलते नहीं हम लोग का आदमी नहीं है, यूनिवर्सिटी के बाहर तक का मेरा, श्यामा माई मंदिर तक का, यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक, देन हमको यूनिवर्सिटी गार्ड से पता कि भाई मतलब क्या ये आप लोग के बीच का है? नहीं मेरे बीच का नहीं है। तो भाई आपको राइट किसने दिया? ना तो आप बिहार पुलिस हो, ना तो आप यूनिवर्सिटी के गार्ड हो, तो आपको राइट किसने दिया? ठीक है, इसके ऊपर एक अगला वीडियो आएगा, बातचीत करते हैं। और जितना भी ये जो मारपीट वाला क्लिप है, हम तो वहाँ रिकॉर्ड कर ही रहे थे, सारा क्लिप को मीडिया चैनल, जितना भी मीडिया चैनल है, जैसे कि लाइक विवेक भैया का है दरभंगा जिला, और भी बहुत सारा मीडिया ग्रुप सब है, सबको हम फॉरवर्ड किए हैं वीडियो। हर कोई अपने स्तर से चला रहा है उस क्लिप को, हर कोई अपने स्तर से दिखा रहा है, ठीक है। बट ये जो उन्होंने किया ना, ये लाठी चार्ज, ये हमको बहुत खराब लगा, और हर मीडिया ग्रुप को हम सेंड कर दिए। उनके साथ जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, बिकॉज वो गलत किए हैं। मतलब कि मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर कोई आपका बात नहीं मान रहा है तो आप गेट लगा दो। आप सोचो यार, आप कैसे आप बैरिकेडिंग किए हो कि लोग सब आ रहा है जा रहा है, आप मेन गेट लॉक कर दो, कैसे लोग आ जाएगा? ठीक है, छड़प के गया तो आप मेन गेट के पास गार्ड रखो ना। हम जब आप गए छड़प करके, वहां तो एक भी गार्ड नहीं था, मतलब अंदर घुसे हम तुमको मारना शुरू कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब अंदर हम गए और तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज, मतलब मेरे ऊपर नहीं, जितना भी लोग है सबके ऊपर लाठी चार्ज, ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है कि आप किसी को भी मारो पीटो अंदर घुस गया। आप जड़ से ही खत्म करो ना, गेट के पास कोई गार्ड रख दो कि कूदने से पहले वो वहां पे वार्न कर दे कि भाई अंदर नहीं आना है, और वार्निंग देने के बाद करे तब आगे का कोई और रास्ता हो, कोई और सॉल्यूशन होगा। बट वो फाइबर वाला लाठी मतलब स्टिक जिसको कहते हैं, बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे, लाठी मतलब हम लोग मैथिली बोलते हैं लाठी, डंटा, स्टिक जो भी है, तो उससे किसी को हिट करना ठंडी में, उस दिन धूप भी नहीं निकला, मतलब ठंडी में उसे मारना, और एक बार मार के छोड़ने देना, लगातार मारते रहना। हम कुछ क्लिप अटैच कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आगे का जो भी होगा उनके साथ होना ही है, मतलब आगे का जो भी चीज है, क्योंकि वो गलत किए हैं। लड़का लड़की कुछ नहीं देख रहे थे, मेल फीमेल कुछ नहीं देख रहे थे, वो सबके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे थे। जनाब जयशंकर नाम है उनका, तो उनके ऊपर तो जो होगा सो होगा ही कार्रवाई। बस इसी तरह कुछ न्यू ईयर हम लोग अभी था, और ये जो प्रॉपर क्लिप सब हम जो भी रिकॉर्ड किए हैं हिंसा का, भाई जयशंकर का, तांडव का, सबका एक अलग वीडियो हम कल डाल रहे हैं, तो आप लोग कल देख लीजिएगा वो फुल वीडियो। अभी थोड़ा सा ही ऐड किए, बिकॉज ये जो मजा है, मजा नहीं मतलब ये जो वीडियो है इसका मजा स्पॉइल हो जाएगा, तो इसको खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इसका फुल वीडियो कल डालेंगे। और आप सभी सब्सक्राइबर सबको हैप्पी न्यू ईयर। मानते हैं वीडियो थोड़ा सा डिले हुआ, बिकॉज एक तारीख को हम रिकॉर्ड ही किए, दो तारीख को सोचे डालेंगे, बट दो तारीख को थोड़ा सा काम था तो उसमें फंसे हुए थे। आज 3 तारीख है, आज कोशिश करते हैं, अभी 12:20 हो रहा है, तो कोशिश करते हैं 1 बजे 2 बजे तक 3 बजे तक लास्टली 3 बजे तक ये वीडियो आ जाए, 3 बजे तक हम मैक्सिमम 3 बजे तक। और बस इतना ही कहेंगे, आप सभी सब्सक्राइबर सबको हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे आप पिछले साल हमको इतना हेल्प किए, इतना मदद किए, इतना सपोर्ट दिए कि हर जगह मिथिला ब्लॉग्स गूंजने लगा, इस साल भी कुछ मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बस इतना ही कहेंगे, अपना प्यार हमेशा इस छोटे से बच्चे बना करके रखिए, कुछ गलती हो जाए तो उसको हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, पक्का बोल रहे हैं हम उसको इम्प्रूव करेंगे। इंस्टाग्राम पर आ जाइए @mithilablogs, वहाँ पर आकर के बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। हम सीरियसली बता रहे हैं, बिकॉज हम परफेक्ट नहीं, हम जान रहे हैं, हमको सब कुछ आप ही से सीखना है, या फिर हम आपसे सीखेंगे या फिर आप हमसे सीखेगा, मतलब ऐसा दोनों में होता है ना कि नॉलेज का जो कहते हैं कि बंटवारा होते रहता है इधर से उधर, तो कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखिए। तो यही कहेंगे, कुछ अगर आपको गलत लगा हो, कुछ अगर आपको गलती लगा हो मेरा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, इंस्टाग्राम पर आइए, मैसेज कीजिए, @mithilablogs मेरा यूजर आईडी है, वहाँ बताइए अभिषेक आप यहाँ गलत हो, उसको हम इम्प्रूव करेंगे, सीरियसली बता रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से किसी अच्छे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।